श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। इस बार 19 साल बाद सावन में अधिक मास का संयोग बना है। अधिक मास या मल मास 18 जुलाई 2023 से लेकर 16 अगस्त 2023 तक रहेगा। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी भुवन संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया जाता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय क्या हैं। चतुर्थी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल को शुद्ध कर साफ चौकी पर लाल, पीला या हरा वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक कराएं। अब अक्षत, पुष्प, जनेऊ, धूप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दुर्वा और मिठाई अर्पित कर मोदक या लड्डुओं का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा कर व्रत संपन्न करें। सावन अधिक मास की चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा से मनोकामना पूरी होती है। दर्शकों, इस दिन गणेश जी की पूजा में उन्हें सिंदूर, दुर्वा व मोदक अर्पित करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। पूजा के समय गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत कथा सुनें। त्रिभुवन संकष्टी के दिन गणेश जी को समय पत्र चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, साल 2023 में त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 4 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 4 अगस्त शुक्रवार की दोपहर 12:45 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त प्रातःकाल 9:39 पर। चंद्रोदय का समय होगा 4 अगस्त की शुक्रवार रात्रि के 9:20 पर।